अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 239, कबीर का प्लान। कांस्टेबल ने यूं तो इंस्पेक्टर को पुकारा था, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही लैला लगभग भागती हुई कमरे में आ पहुंची। कांस्टेबल ने उस पर एक नजर डाली और लैला के पीछे पीछे आए इंस्पेक्टर से कहा, सर हमने पूरे घर की तलाशी ले ली है, लेकिन यहाँ कैश के नाम पर कुछ हजार के अलावा कोई भी पैसे नहीं मिले। ये सुनते ही लैला ने महसूस किया कि इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग जैसे बदल सा गया हो। उसने सरसरी नजरों से कमरे में देखते हुए कहा, तुम ठीक से देखो, हमारी खबर गलत नहीं हो सकती। इन्होंने टैक्स चोरी के पैसे कहीं तो छुपाए होंगे। इंस्पेक्टर को ऐसे बौखलाया हुआ देखकर लैला ने एक तंज भरी स्माइल देते हुए कहा, टैक्स चोरी के पैसे नहीं मिले, इसका तो साफ साफ यही मतलब है ना इंस्पेक्टर, कि यहाँ ऐसा कोई भी इलीगल मनी नहीं छुपा रखा है मैंने। लैला का तंज सुनकर इंस्पेक्टर को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे काटो तो खून नहीं। उसने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा, यूं तो मैं अपनी लीड के प्रति काफी भरोसा रखता हूँ कि मुझे कोई गलत खबर नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी आपको ऐसे सुबह सुबह बॉदर करने के लिए माफी चाहूंगा। कहकर उसने कांस्टेबल को साथ आने का इशारा किया और फिर दोनों वहां से अपना समूह लेकर निकल गए। उनके जाते ही लैला ने थाड़ की आवाज के साथ दरवाजा बंद किया और एक गहरी सांस लेकर वहीं सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। फिर उसने हैरानी भरे अंदाज से मारिया से पूछा, ये सब क्या था मारिया? ये टैक्स चोरी के पैसे और ये पुलिस, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब मारिया ने उसके बगल में बैठते हुए कहा, ये सब दिव्या और सुधीर की मिली भगत का नतीजा था मैम। उसके बाद उसने कबीर की सुनी हुई सारी बातें लैला को बताई और फिर आगे कहा, उसके बाद कबीर सर ने जब आपको देखा तो उन्हें यकीन हो गया था कि आप इतनी जल्दी होश में नहीं आने वाली, इसीलिए जब मैं वहां आपको लेने पहुंची तो वो मेरे साथ यहाँ चले आए और सुधीर सर का दिया हुआ बैग अपने साथ ले गए। और उन्होंने कहा है कि अगर सुधीर सर आपसे सवाल करें तो आप उन्हें सीधा उनके पास से वो बैग कलेक्ट करने के लिए कहें। पूरी बात सुनकर लैला के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो रह रहकर इस बात से परेशान हो रही थी कि अगर कबीर ने वक्त रहते वो बैग नहीं हटाया होता तो आज वो इंस्पेक्टर न जाने और उसे कितना परेशान करता। लैला ने एक गहरी सांस ली और मारिया की तरफ खोई खोई नजरों से देखते हुए कहा, ये दिव्या की हरकतें अब हद से ज्यादा बढ़ गई है मारिया। मैंने पार्थो सर की फिल्म साइन करने से पहले ही उसे वॉर्न कर दिया था कि अगर वो इस बार भी कुछ ऐसा वैसा करती है तो उसका नुकसान सबको सहना पड़ेगा। लैला की आंखों में बेहद गुस्सा था। मारिया ने उसे शांत करते हुए कहा, हाँ दिव्या मैम हमेशा आपके लिए हर बार मुसीबतें खड़ी करती रहती हैं। इस बार उनसे आर पार बात कर लेना ही बेहतर होगा। लैला की आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ सी गईं। उधर दिव्या के घर पर सुधीर भी मौजूद था। दोनों विस्की का ग्लास हाथों में लिए सेलिब्रेशन मूड में थे। दिव्या ने एक लंबा घूंट भरते हुए कहा, अब तक तो लैला रॉय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन भी ले जाया जा चुका होगा। तब सुधीर ने भी उसकी तरफ लालच भरी नजरों से देखते हुए कहा, हाँ तो अब मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम भी मुझे अपनी सेवाएं देने से चूकना मत। दिव्या ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ नशीली नजरों से देखते हुए कहा, तुम बेफिक्र रहो सुधीर, दिव्या अपनी जुबान से कभी नहीं फिरती। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी पुलिस वैन अंदर पार्किंग में आ लगी। दिव्या ने खुश होते हुए कहा, ये लो आ गई खुशखबरी। इंस्पेक्टर ने अंदर आते हुए उन्हें ग्रीट किया तो सुधीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए इंस्पेक्टर, आइए, लैला रॉय को थाने पहुंचाया है। इंस्पेक्टर ने मायूसी भरे लहजे में कहा, उन्हें थाने तो तब पहुंचाएंगे ना जब उनके खिलाफ कोई सबूत मिलता। हमने पूरा घर छान मारा, लेकिन मनी के नाम पर उनके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ हजार रुपए के अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं था। ये सुनते ही दिव्या और सुधीर दोनों सकते में आ गए। दिव्या ने लगभग चीखते हुए कहा, क्या पैसे नहीं मिले, लेकिन
ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसने सुधीर की तरफ कुछ गुस्से से देखते हुए कहा, तुमने पक्का वो बैग लैला के यहाँ पहुंचाया था ना? सुधीर ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे हाँ दिव्या, मैंने इतनी मुश्किल से लैला को कन्विंस किया था उस बैग को रखने के लिए। दिव्या ने तिलमिलाते हुए पूछा, तो फिर आखिर तलाशी के दौरान वो बैग क्यों नहीं मिला? हर बार की तरह इस बार भी उस लैला ने मुझे मात दे दी, और इस बार तो पार्थों को अगर ये सारी बात पता चल गई तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। इन्हीं ख्यालों से घिरी दिव्या का सारा नशा काफूर हो चुका था। दोनों ही ये खबर सुनकर काफी परेशान से हो गए थे। अगले दिन सब पार्थों की फिल्म की शूटिंग के सेट पर जमा थे। सुधीर तो आज वहां मौजूद नहीं था। कल के फेल्ड प्लान के बाद उसे अभी सेट से दूरी बनाए रखने में ही फायदा नजर आ रहा था। दिव्या आज अकेली पड़ गई थी। रह रहकर उसकी नजरें मेन गेट की तरफ उठ रही थी कि कहीं लैला तो नहीं आ गई। उसका दिल किसी अनजाने डर से बेचैन सा था। काफी देर हो चुकी थी, लैला का कहीं कुछ अता पता नहीं था। पार्थो और बाकी की टीम भी काफी टेंशन में थे। पार्थो ने लैला को फोन लगाया तो मारिया ने बताया कि लैला आज कुछ देर से घर से निकल चुकी है। दिव्या ने इस मौके को गवाए बगैर पार्थो के सामने जहर घोलना शुरू कर दिया था। उसने कुछ अजीब से अंदाज में कहा, ये होती है फेक पर्सनालिटी। जब मैं कुछ दिनों सेट पर लेट से पहुंची थी तो मैडम ने कितना हंगामा खड़ा किया था, और आज खुद अभी तक सेट पर नहीं पहुंची, जबकि उसे अच्छे से पता था कि आज शूटिंग जल्दी शुरू होने वाली है। अभी वो कह ही रही थी कि तभी लैला की आवाज गूंज उठी, मुझे अच्छे से पता था दिव्या कि आज जल्दी शूटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन अब मुझे फिल्म करनी ही नहीं है, इसीलिए मुझे आज शूटिंग में शामिल होना ही नहीं था। उसकी बात सुनकर पार्थो के साथ साथ सारे ही लोग चौंक गए। पार्थो ने उसके पास आते ही कहा, तुम्हें क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है कि इस तरह फिल्म बीच में छोड़ने के क्या क्या असर हो सकते हैं? लैला ने एकदम कॉन्फिडेंट लहजे में जवाब दिया, मैं अग्रीमेंट तोड़ने की फाइन भरने को तैयार हूँ, लेकिन मैं दिव्या सिंह के साथ काम नहीं करूंगी। लैला के मुंह से सुनते ही दिव्या के चेहरे का रंग उड़ सा गया, जबकि पार्थो ने हैरान होते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुम मुझे पूरी बात साफ साफ बताओ लैला। पार्थो का इतना पूछना था कि लैला ने उसे सुधीर और दिव्या की सारी मिलीभगत कह सुनाई। सारी बात सुनकर पार्थो ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, दिव्या तुम मुझे बताओ, क्या मिस लैला जो भी कुछ बोल रही है वो सही है? हमेशा की तरह इस बार भी दिव्या ने साफ छुटलाने की कोशिश करते हुए कहा, हो पार्थो, तुम इसकी बातों में आ रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि इसे शुरू दिन से ही मुझसे कैसी खुन्नस है, अपनी गलतियां छुपाने के लिए यह हर बार मुझे कैसे मोहरा बनाती है। पार्थो दिव्या की रग रग से वाकिफ था। उसने दिव्या को ऐसे साफ पल्ला झाड़ते हुए देखा तो गुस्से में बोला, शट अप दिव्या, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अपना दामन बचाने के लिए तुम सारा का सारा ठीकरा लैला के सिर पर खूब अच्छे से फोड़ना जानती हो। लैला ने उन दोनों को ऐसे झकड़ते हुए देखा तो बोली, पार्थो सर, मुझे और किसी बहस में नहीं पड़ना, मैं बस आपको इन्फॉर्म करने आई हूँ कि अब मैं ये फिल्म कम्प्लीट नहीं कर सकती। ये सुनते ही पार्थो का दिमाग घूम सा गया। उसने जल्दी से लैला को मनाने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अरे कैसी बातें कर रही हो मिस लैला, तुम्हें पता है ना कि ये कितने बड़े बजट की फिल्म है, आधी से ज्यादा फिल्म की शूटिंग हो चुकी है, ऐसे में तुम्हारा इस फिल्म को छोड़कर जाना मतलब समझती हो ना? लैला ने मगर उसी अंदाज में जवाब दिया, देखिए पार्थो सर, हर बार ये दिव्या मेरे लिए ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है कि अगर किस्मत मेरा साथ न देती होती ना, तो मैं आज इसकी बदौलत सड़कों पर या जेल में होती। मैं सही सलामत बच गई तो ढेर फिल्में कर लूंगी, लेकिन इसके साथ काम किया ना तो शायद मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मुझे खोना पड़ेगा। अभी लैला बोल ही रही थी कि दिव्या ने कुछ गुस्से में कहा, ये कुछ भी बोले जा रही है पार्थो, और तुम इसकी बातें सुन रहे हो, तुम्हारी नजर में मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं? तब पार्थो ने उसे ऊंची आवाज में जवाब दिया, स्टॉप इट दिव्या, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैं ये भी जानता हूँ कि अपने प्लान के लिए तुमने सुधीर को कैसे मोहरा बनाया होगा, क्योंकि तुम हमेशा से यही करती आई हो।
दिव्या को जी भरकर डांटने के बाद उसने लैला की तरफ मुड़ते हुए कहा, देखो मिस लैला, बातें इधर उधर करने से या गुस्सा करने से। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। से सबका नुकसान है, तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। कुछ बातें बर्दाश्त कर ली जाए तो इतना बड़ा नुकसान होने से बच सकता है। जबकि दिव्या गुस्से में वहां से मेकअप रूम की तरफ चली गई। लैला ने उसे जाते हुए देखा और एक गहरी सांस ली, फिर कुछ सोचते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ पार्थो सर, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसे इस तरह मानते हुए देखकर पार्थो ने झट से कहा, मुझे मंजूर है, मुझे हर शर्त मंजूर है तुम्हारी लैला। लैला ने जवाब दिया, मैं और दिव्या सेम डे सेट पर अवेलेबल नहीं रहेंगे, जिस दिन ये आएगी उस दिन मैं नहीं आऊंगी और हम दोनों के शॉट्स भी अलग अलग फिल्माए जाएंगे। ये सुनकर पार्थो ने कुछ मायूसी भरे अंदाज में कहा, लेकिन मिस लैला तुम अच्छे से जानती हो कि इससे स्क्रीन प्ले में कितने सारे चेंजेस करने होंगे। मगर लैला ने एकदम अडिग लहजे में कहा, मेरी बस यही कंडीशन है काम करने की पार्थो सर, आपको मंजूर है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब जहर भरी लड़की के साथ काम करने की हिम्मत नहीं कर सकती हूँ। पार्थो के पास उसकी शर्त मान लेने के अलावा अब और कोई चारा भी नहीं था। लैला अपनी बात रखकर वहां से लौट आई। ऐसे इतनी टेंशन के बाद पार्थो कुछ सुकून से था, क्योंकि अब फिल्म की शूटिंग पूरी होने में कुछ ही दिन बाकी थे। ऐसे में लैला की शर्त मान लेने में ज्यादा कोई नुकसान नहीं था। लैला वहां से सीधे सुजॉय के सेट पर आ पहुंची थी। सारे ही लोग उसे आज यहाँ देखकर कुछ हैरान से थे। एडी ने उसे देखते ही कहा, अरे मिस लैला, आप आज यहाँ, आज तो आपकी शूटिंग उधर थी ना। तब लैला ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, हाँ आज उधर की शूटिंग कैंसिल हो गई थी तो यहाँ आ गई। अगर पॉसिबल हो तो एक दो शॉट यहीं के कंप्लीट कर लूं, वरना लौट जाऊंगी। तब एडी ने जवाब दिया, वैसे तो आज कबीर सर के कुछ फाइट सीन है, लेकिन फिर भी मैं आपको शेड्यूल देखकर बताता हूँ, अगर कुछ कुछ सीन आपके भी हो पाएंगे तो कर लेते हैं। कहकर वो वहां से चला गया। लैला उससे बात करके वहीं सेट के दालान में लगी एक चेयर पर आ बैठी और बैग से अपनी बुक निकाल ली। अभी उसने दो चार पन्ने ही पढ़े होंगे कि तभी कबीर की गहरी आवाज गूंजी, फिर शिवजी के प्रसाद का मजा उतर गया कि अभी भी बाकी है। लैला ने उसकी आवाज सुनते ही उठते हुए कहा, हेलो कबीर सर, कैसे हैं आप? कबीर ने मुस्कुराते हुए उसकी सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, अरे ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए था। तब लैला ने कुछ छेपते हुए कहा, वो कबीर सर, मुझसे गलती हो गई थी। वैसे मुझे मारिया ने सब कुछ बता दिया था और मुझे हर बार की तरह इस बार भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शायद उस दिन आपने सब कुछ अरेंज नहीं किया होता तो आज मैं पुलिस स्टेशन में पाई जाती। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कबीर ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, अरे वो सब एक इत्तेफाक था लैला, लेकिन फिर भी अब जब तुम इतने प्यार से शुक्रिया कह रही हो तो मैं रख लेता हूँ। कबीर ने ये बात कुछ इस अंदाज में कही कि लैला के साथ साथ उसे खुद भी हंसी आ गई। फिर उसने शांत होते हुए कहा, वैसे उन पैसों का क्या किया आपने? कबीर ने कुर्सी की बैग से पीठ टिकाते हुए एकदम रिलैक्स्ड अंदाज में जवाब दिया, अरे उन पैसों का क्या करना है, जब सुधीर वापस लेने आए तो तुम उसे सीधे मेरे पास भेज देना, फिर मैं उसका दाव उसी के साथ खेलूंगा। ऐसे लोगों को अपनी करनी का सबक भुगतना ही चाहिए, ताकि अगली बार से जिंदगी में कभी भी किसी लड़की के चक्कर में ये किसी का नुकसान करने के बारे में सोच भी नहीं सके, और इसके लिए मेरे पास बहुत तगड़ा प्लान है। ये सुनते ही लैला ने कुछ चौंक कर कहा, प्लान? कैसा प्लान कबीर सर? आखिर कबीर का क्या प्लान था? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।